आप लोगों को बताया ही नहीं यार, हमारा 70,000 बिल आया हुआ था इस एक महीने का। 70,000 पता ही नहीं था क्या हुआ था, किधर जाना था मुझे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। 40 डे 2 चल रहा है मेरा, तो अभी व्लॉग शुरू किया है। अभी थोड़ी देर पहले सो के उठे थे, तो ज़रा गाड़ी शाड़ी का काम शाम कराना था। अभी आया ज़रा पिंडी वकास भाई के साथ। वकास भाई सुबह बड़े गुस्से में थे, साबुन नहीं मिल रहा थी वकास भैया। अभी ज़रा हम इधर आए हैं सदर कमरान मार्केट इंजन ऑयल वगैरह लेने के लिए, फ़िल्टर वगैरह लेने, दो तीन चीज़ें लेनी है यार ज़रा यहाँ से। सुबह सुबह का टाइम है, ज़रा हल्का हल्का रश भी होता है। सीन ये है ना कि हम अगर सुबह सुबह उठे तो हमें पता चलता है ना कि बाहर रश होती है, असी उठनी बाबा जी 2 बजे हैं की करा, तो मन दिल लग रहा है बल्कि खुले है। सुबह सुबह का टाइम है ना, इस जगह पार्किंग ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है यार। कंधे शीशा फटे है, लेकिन देखो यार, आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो ना, आपको वॉशरूम में जवाब सिर्फ ये है कि तुम बहुत ही हट रहा हो, तुम्हें कोई चीज का नहीं पता, फिर बाद में तुम मासूम मुंह बना के कह देते हो हां मुझे तो पता ही नहीं था क्या हुआ था, किधर जाना था हां मुझे तो याद ही नहीं है कोई गल जदों कह रहे हो। हां जी जरा तुसी मैंने दसो पंजाबी च, ए दसो तुसां साबुन मिलया कि नहीं मिलया? साबुन नहीं मिलया केड़ा यार, इतना इतनी चाकी रखी हुई थी यार मैंने, रहा वो चाकी जेरी तूने रखी थी ना चाकी, वो मुझे कोई नहीं मिली। बस कर दो यार, मेरे वॉशरूम में जो साबुन चुक के लाके गया तो वॉशरूम ही रखे है। ठीक है, मैं आपे सुबह नहाते हैं यार उस नाल यार, फिर भी कह रहे साबुन नहीं है। कुछ नहीं हो सकता बाबा जी, ना कोई नहीं हो सकना। आज मैं जिस टाइम ऐ होने थोड़ी देर तक ना, मैं 12 साबुन लाके जासा कट्ठे, 12 कट्ठे के मुकन ही ना, क्योंकि साबुन इस तरह मुकना है जिस तरह कोना में एक साबुन, एक टिशू, तो एक तीसरी चीज़ मैं तुम्हें दस नहीं सकना, वो तो कला बंदा चार यूज करना है। मैं तो यूज ही नहीं करना है, तो लास्ट टाइम एक मिनट जो तीसरी चीज है ना, वो वकास भैया भी लास्ट टाइम लाहौर गए हैं, तो वो वकास भाई छुपा के गए हैं नहीं छुपा के नहीं गया, लेकिन रख के गए हो तुसी, रख के गए हो तुसी, और अलमारी पे आसी छापर ही तले आप ही रखे ना। सही है नहीं सही है, अच्छी बात है, सेफ्टी मास्ट है भाई, इतने पता ही नहीं चलना कौन कितने के यूज कर गया। बाकी मैं यार ये इंजन ऑयल वगैरह दिखाना नहीं चाह रहा था, जो लास्ट टाइम लिया था वही लिया था यार, फिल्टर वगैरह जो भी था। ये हम जा रहे हैं जी मुखा सिंह स्ट्रेट के पास, मुखा सिंह स्ट्रेट मिलत कलोनी, बड़ा मशहूर इलाका है पिंडी का, बड़े नामी ग्रामी लोग रहते हैं यहाँ। उन नामी ग्रामी लोगों में एक हमारे वकास भाई नहीं रहते यहाँ पे, शक्ल ला रहे हैं। ये वो दुकान है जहाँ से हमने गाड़ी का काम शाम कराना है। हाँ जी अभी मसरूफ़ है, कह रहे हैं ये वाली मीरान निकालेंगे तो फिर आपकी पारी आएगी। मैं कहा चलो फिर थोड़ी देर गड्डी जी पे आके इंतज़ार कर लेने हैं यार। नाश्ता भी नहीं किया हुआ अभी, यहाँ पे एक मशहूर चने वाला शकील चने वाला, उसके पास जाके नाश्ता भी करेंगे। अभी तो ज़रा इंतज़ार कर रहे हैं, नंबर आ जाए हमारा। खान जी खुद आए हैं चक्कर लगाने के लिए, कहते हैं ज़रा राउंड शाउंड लगा लें पता चल जाएगा। इसी जगह आपने क्लियर करना है इसको, ये कंगी की आवाज़ है ना। खान जी ने टेस्ट ड्राइव लिया और खान जी ने बोला शरीर के अंदर कोई होती है कंगी, उसकी आवाज है। सलाम अलैकुम। ये मशहूर चने वाले गोरी टाउन में जो है शकील चने वाले, उनकी ब्रांच है यहाँ पे। असा गड्डी ठीक करा रहे हैं, सोचा नाश्ता कर लिया, हालांकि प्लान हमारा पहले से था
नाश्ता आज इधर से ही करेंगे। लेकिन जो चने का मज़ा जो गोरी टाउन वाली ब्रांच पे आता ना खाने का, वो मेरा नहीं ख्याल कि हमें या किसी और की ब्रांच में मज़ा आएगा। पता नहीं आपको बताया नहीं बताया वो जो बल्कि बताया आपको शेयरिंग की कमी का मसला बन गया। काम लंबा हो गया, हमने तो सोचा छोटा सा काम होगा लेकिन गाड़ी का काम लंबा ही हो गया। स्टेयरिंग का मसला निकला है, स्टेयरिंग की कमी का आप वो करवा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ये भी बताओ ना स्टेयरिंग की कमी के पैसे कितने आए वो तो आप जब वो काम कंप्लीट होगा फिर पता चलेगा ना। नहीं उसने तो उसने मटीरियल का बोला ना कि ये चीज़ें चल रही है, वो तो बाद में पता चलेगा मजदूरी कितनी बन रही है, सामान कितने का। कंघी खुलेगी तो सिर्फ कंघी थोड़ी आएगी, और भी बड़ी चीज़ें मिलेगी, और भी साथ सामान है, वो बाद में पता चलेगा। तो खैर देखते हैं, बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, नाश्ता नहीं किया हुआ था और भूख लगी हुई थी, दो तो बच गई हैं तो हमने सोचा चलो कुछ खा पी लें। तो उस टाइम में जो दुकान पर आया खाते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारे बड़ी भाई जो थे वो चले गए हैं यूके, तो भाई के भी स्टेटस देख रहे हैं हम, भाई टू डोर में घूम रहे हैं। बड़ी भाई ये गला चंगिया नहीं हाँ मैंने सारी गड्डी खोल दी थी, मैं तो समझ रहा था कुछ छोटा सा पुर्जा हो सी वो जो चीज़ मैन थी वो कौन सी है? हाँ जी जो SMC का काम करना था वो कर लिया, बस अभी टेस्ट ड्राइव लेनी है हमने, बस इसका आखिरी प्रोसेस है जी, ये अलाइनमेंट करने लगे हैं भाई। फाइनली जी हुआरी 2 घंटे की हुआरी के बाद हमारा काम हो चुका है, हमारा बिल बना है, बिल साढ़ा बन गया 40,000, तो साढ़ा बिल आया सी 70,000। अभी पता चला कि बिल कौन जमा कराएगा, 40,000 तो हमने यहाँ लगा दिया, अभी याद आया कि बिल भी जमा कराना था। जोर की उसी बवा जी बिल के पैसे दे गए, बिल के पैसे से गड्डी ठीक करान ला देते और साढ़ा मीटर ला के ला जा सन, हमारा बैठ ही हो गया यार हमारा। और आप लोगों को बताया ही नहीं यार हमारा 70,000 बिल आया हुआ था इस एक महीने का, 70,000 रुपया बिल बैरियर टाउन में एक फ्लैट का, एक AC, एक पंखा, एक LCD, एक फ्रिज, एक ओवन, इस्त्री तो आई नहीं साड़ी, बस एक दो चीज़ें रह गई हैं। ये इसका क्या लेना है यार, इसका हमने फाइबर का कुछ लगवाना है यार, ये यहाँ से ये जो है इसका कुछ फाइबर का लगवाना है। सुल्तान के खूह तो और कितों मिलना, सुल्तान के खूह से हम उस तरफ गए नहीं ना, अभी टीपू रोड जा रहे हैं, टीपू रोड से मिल जाएगा। तो उसके बाद ये ब्लैक ग्लास पेपर रह गए यार इधर, ये जो ख़राब हुआ है ये भी ठीक करवाना है यार, ये नया लगवाना है, बस ये दो चीज़ें रह गई, उसके बाद फिनिश। और हालत बहुत टाइट हो चुकी है और भूख लगी हुई आपके भाई का बहुत टाइट किस्म की। काश भाई थे बिल्कुल फ्रेश फ्रेश घूम रहे हैं, जिन्होंने खाना खा गया है, बाद भी कोई भूख शूख नहीं लगी, कोई चक्कर नहीं, खाया तो है खाना। कब? 1 बजे जो खाया था। टाइम क्या हो गया? साढ़े सात हो गए खावा गया वकास भी हो पागल। Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. हम लोग वैसे ही 3-4 मार्केट विजिट कर रहे हैं वलीमे के लिए, अभी एक मार्केट है टोपी राज मिनी गोल्फ क्लब जो अयूब पार्क के साथ है, अभी जो 3 और मार्केट हैं वो भी देखनी है, और हम निकले बहुत सेक्सी टाइम पे हैं, रात को 8 बजे यही टाइम होता है पता है, शाम अच्छा? दोपहर को बंदा खराब होता है जरा, मैं तो कहता रोशनी रोशनी में आते जरा, रोशनी रोशनी में क्या शादी रात को करनी है रोशनी। मेरा वॉक पूरा शीशे का था और उस शीशे के अंदर लाइटें चल रही थी। अच्छा हाँ, तो उस इस तरह मतलब हम लोगों की इस तरह एंट्री हुई थी, फिर यहाँ पे आके, फिर जब यहाँ स्टेज पे आते हैं, यहाँ पे स्टेज पे आके ऐसे खड़े होते हैं, फिर 2 अनार्स यहाँ से चलते हैं, फिर क्या ये एंट्री होती है वलीमा की रिसेंटली। ये जो नाच गाना शुगर मेरा, ये मेहंदी बरात तक होता है, नाच गाना नहीं है भाई, सूफी कलाम के ऊपर वो नहीं है, तुझे अभी जाके दीपो को ना ये पीछे ले जाए। लेकिन यार यहाँ पे रंगोली भी मजा करेगी ना, क्योंकि अपने गज़ीबो ग्रो ठीक है, सारी इसकी सारी लुक फारग हो जाए, फिर हाँ ये बल्कि लग जाएगी ना, फिर यूँ लग जाएगी ना। ये मेन मसला पता क्या है, एंट्रेंस है इधर से,
तो बेशक इधर से हो ना, एंट्रेंस इधर से है ना, जब आप आओगे तो डांस तो नहीं कर रहे होंगे ना, कर रहे होंगे ना एंट्रेंस के। हम वैसे ही मार्की विजिट करने आए हुए हैं, तो हमें बटी भाई बता रहे हैं कि जब मेरी शादी हुई थी तो मार्की ऐसा था वैसा था। लेकिन बटी भाई को बताओ, बटी भाई की जब शादी हुई थी वो 2017 था, अभी चल रहा है 2024, तो वक्त बदल जाता है। बटी भाई भी 2017 में अपनी शादी का इवेंट करवाना, सॉरी 2020 में करवाना चाह रहे थे, डिसाइड कर लो। तो बटी भाई को उन्होंने बोला बीवी ने ऐसी मत मारी है कि शादी का ही बटी भाई को उन्होंने बोला जान के छेवा लगाओ।